अस्सलामुअलैकुम, रबी कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पपलम फ्रॉक के साथ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आई हूँ। और इसी कपड़े में, ये 2.5 मीटर का कपड़ा है, दो ड्रेसेस बनाएंगे हम बच्चियों के। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को खोलेंगे। ये इसकी 2 फोल्ड साइड है और सीधी साइड अंदर वाली साइड पे और बाइक की साइड पे उल्टी साइड है। अगर आपका कपड़ा प्रेस नहीं है तो आप उसे काइंडली प्रेस कर लें, लेकिन ये लोन है और बिगनर्स के लिए लाजमी है कि वो अपने फैब्रिक को प्रेस करके ही यूज़ करें। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने कटिंग करनी है ट्राउज़र की। सबसे पहले तो ट्राउज़र की लेंथ मुझे चाहिए तैयार 26 इंच। 26 इंच मुझे ट्राउज़र की लेंथ चाहिए और चौड़ाई मुझे कम से कम 8 से 9 इंच चाहिए। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा अनप्रेस है तो मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि मैं इस ट्राउज़र की जो कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। पहले ऊपर से 2 इंच या 1.5 इंच बच्ची का है तो हम इसको ऊपर से 1.5 इंच का ट्राउज़र की इस मार्जिन का छोड़ेंगे इलास्टिक के लिए। इसके नीचे से हम आसन लेंगे 10.5 इंच और यहाँ से हम लंबाई लेंगे तैयार 26 इंच और 1 इंच फोल्डिंग के लिए। ये देखो, यहाँ से हमने 26 इंच तैयार और 27 इंच पे फोल्डिंग के लिए ले लिया। अब यहाँ से हम वन साइड से पोंचा मयर करेंगे 5.5 इंच और 1 इंच जो है कटिंग का मार्जिन। यहाँ से हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है, इसको हल्की सी यहाँ कटिंग देंगे और इसको कटिंग वाले को इसके साथ जो मिला देंगे। कटिंग कर लेते हैं। ये होगी हमारे ट्राउज़र की कटिंग। ऊपर से हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए जी, ये सिंपल से ट्राउज़र की या प्लाजो की आप हल्का से प्लाजो भी बना सकते हैं, फोल्डिंग दें और यहाँ पे कॉर्नर पर सिलाई लगा कर आप इसको प्लाजो भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका पोंचा जो है बच्चों के हिसाब से इनफ है। 6 से 6.5 इंच 7 इंच बन गए तो सिलाई करके 6.5 इंच रह जाएगा। और ये देखिए, इसका यहाँ से हमारे पास आ गया 8 इंच और ये हमारे पास आसन आ गया 10 से 10.5 इंच। तो ये बन गई जी ट्राउज़र। अब हम करेंगे अपना फ्रॉक की कटिंग। फ्रॉक की कटिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे पेटी, जितनी हमें पेटी चाहिए बच्ची की। अगर आप बिगनर्स हैं तो कोशिश करें कि आप भी हर चीज़ को, जो भी कटिंग करें उसको प्रेस करके उसकी तह बिठा के फिर कटिंग करें ताकि आपकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और चारों तहें सेट कर लें। हम यहाँ पे लेंगे पेटी के लिए कपड़ा। तो पेटी के लिए हमें चौड़ाई चाहिए 9 इंच और लंबाई भी चाहिए 9 इंच के आठ। यहाँ 10 इंच लेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब इस पर हम कटिंग करेंगे अपनी। हमारा तीरा है 6 इंच, शोल्डर भी हम लेंगे 6 इंच। यहाँ पर हम फिटिंग ड्रेस की देख लेते हैं। फिटिंग देखने का ठीक तरीका यह है
इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो सिलाई होती है, यहाँ से देखते हैं 14.5 इंच 15 इंच है, तो इसका हाफ़ क्या होता है 7.5 इंच, ये फिटिंग, और ये हमारा डेडिक एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसको हम आधे इंच की सिलाई देंगे, यहाँ 7.5 इंच लिए तो यहाँ पर हम 6.5 इंच ले लेंगे और इसको मिला देंगे, और ये कटिंग का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम गला लेंगे 2.5 इंच चौड़ा और 3 इंच फ्रंट का और 1.5 इंच बैक का। बैक पे हम हुक रखेंगे, इसकी कटिंग इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। हाफ शोल्डर डाउन करेंगे, गले की कटिंग कर लेंगे, चारों पीसों की कटिंग नहीं करनी, पहले हम चारों की बैक कटिंग करेंगे। अब अंदर से एक पीस को निकालेंगे, साइड पे करेंगे और बाहर वाले पीस की अगेन कटिंग करेंगे, जहाँ हमने निशान लगाया है। और इसकी शोल्डर की हल्की सी गहरी कटिंग करेंगे, बिल्कुल माइनर से योग भी हमारी कटिंग। चलते हैं स्टिचिंग की तरफ, योग भी हमारी कटिंग फ्रंट एंड बैक की। बैक पर हम 2 इंच का हुक रखेंगे, ये आप 2 से 3 इंच तक का कर सकते हैं, मैंने भी 3 इंच का कर लिया, ये हुक बना लिया। और यहाँ पर हम कपड़ा रख के कटिंग करके उसके अकॉर्डिंग सिलाई कर देंगे, जैसे हम दामन के चाक बनाते हैं। नीचे की लेंथ हमें चाहिए टोटल 24 इंच है एंड हाफ, 24.5 है, तो हमें ये 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। 26 में से हमने 10 इंच निकाले तो हमारे पास होना चाहिए 16 इंच, और ये हमारे पास 17.5 इंच, मतलब 1/2 इंच ऊपर से भी सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे से भी सिलाई में जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 और 10 हमारे पेटी का कपड़ा हो गया, टोटल हो गया 26 इंच रेडी। ठीक है, अब हमें ये कपड़ा कितना चाहिए चौड़ाई में, ये डबल भी ले सकते हैं और सिंगल भी ले सकते हैं। लाइक आपने अपना पहले ऊपर पेटी कोट का जो कपड़ा लिया है उसको देखना है कि आपकी चौड़ाई कितनी है, तो वो हमने डबल में 7 लिया था फिटिंग, और वैसे वो खोल के 14 इंच होगी, तो 14 इंच से हम डबल कपड़ा लेंगे, मतलब 14 इंच से डबल होना चाहिए, 28 हो गया। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैं 28 ही लूँगी या इसको 30 कर लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे होता है, लेकिन कम से कम डबल हो ताकि आपका जो ड्रेस है पहना हुआ अच्छा लगे। ये मैंने कटिंग कर लिया और सेपरेट कर लिया, अब इसको ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए है, और इसकी बहुत सी सिंपल सी डबल लाइन लगा कर हम यहाँ पर चुनर्स इकट्ठी करेंगे। सिंगल लाइन लगा के कर सकते हैं और डबल से भी आप इजीली कर सकते हैं। ये हो गया जी हमारा फ्रॉक और ट्राउज़र की कटिंग। इसके दामन पे हम ये वाली लेस अटैच करेंगे। अब हम करते हैं बाजों की कटिंग, तो बाजों की कटाई के लिए हमें तैयार बाजू चाहिए 13 इंच, ये हमारे तैयार ही हैं। हम नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगाएंगे और फोल्डिंग देंगे। यहाँ पर बाजों की चौड़ाई चाहिए हमें 6 इंच रेडी, 1 इंच ज़्यादा लेंगे 7 इंच, यहाँ से हमें चाहिए बाजू 6 इंच, तो बस यहाँ से हमें चाहिए 2 इंच, आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं,
बड़ी बच्ची है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। 2 इंच पे यूँ करके निशान लगाएंगे। निशान इस तरह हो कि यहाँ पे 2 है, आगे कम होता जाए, एक एक पॉइंट, ये देखिए हर पॉइंट पे एक एक पॉइंट कम होता जा रहा है, ऊपर जाके आपने ऐसे मिला दें। अब इसको यहाँ पर चाहें तो बेल शेप दे सकती हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी कर सकती हैं। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हो गए जी हमारे बाजू। इसके बाजू पे और दामन पे हम गिलास लगाएंगे, सिर्फ नीचे इस तरह लटकाने के लिए, इस तरह यूँ करके हम इसको लैस को अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको यूँ नीचे वाली साइड से भी शो कर सकती हैं ऐसे, ये भी प्यारे लगेंगे ये करके, और अगर आप चाहें तो इसको ऊपर रख के भी लगा सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको यूँ नीचे रख के फिर ही लगाऊंगी ताकि ये प्यारी लगे। जितनी लैस है उसको दामन और बाजू पे लगाएंगे, अगर बच गई तो आप ट्राउज़र पे भी लगा सकते हैं और फ्रंट पेटी पे भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपके पास और भी कोई अगर मैचिंग लैस हो तो आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है जी कटिंग। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके, सिंपल सी स्टिचिंग है इसकी, करके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है जी फ्रॉक, इसकी फ़ाइनल लुक बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसके साथ लेस लगा दी। आप किसी भी तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप फ्रंट पे भी 2 पीस लगा के इसको कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये लेस लगा दी है, उसको टर्न कर दिया। फ्लेयर इसका देखें, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, ये देखें कितना ज़्यादा फ्लेयर है इसका और कितनी प्यारी ये फ्रॉक लग रही है। ये है इसके बाजू, और बाजू में भी सिंपल लेस लगा दी, और गले पर तरपाई भी कर सकते हैं और आप सिलाई भी लगा सकते हैं। देखें कितना ही नीट और खूबसूरत गला बना है, ये देखें ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, बच्ची के हिसाब से बहुत खूबसूरत गला बना है। आप यहाँ से जैसे कि 2 से 2.5 इंच यहाँ से रख सकते हैं, बच्ची के हिसाब से 3 इंच नहीं रखना, 2.5 तक 2.25 तक लो तक। और ये मैं आपको इसका पजामा दिखाती हूँ, ये देखिए जी इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी मैंने लैस लगाई है, लेकिन लैस कैसे लगाई है, थोड़ा सा स्पेस देकर लैस लगाई है ताकि लैस के नीचे पाइपिंग टाइप वो नज़र आए, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पेयर। आजकल ऑल ओवर का डिज़ाइन बहुत चल रहे हैं, तो ये ऑल ओवर में बन गया और खड़ा पजामा भी बन गया बच्ची का। तो अगर आपके पास कपड़ा और हो तो आप यहाँ पर और भी फ्लेयर इसका कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।